बीजेपी में एक से बढ़कर एक कलंदर मौजूद हैं। नाना जमूरे, जो अक्सर अक्ल के अंधे हो जाते हैं। अब देखिए ना, पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को लोगों से देश में कोरोना के खिलाफ जंग में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस वालों की हौसला अफजाई के लिए दिया जलाने को कहा था, लेकिन लोग दिवाली मनाने ही उतर गए। जिस वक्त देश पीएम मोदी की अपील पर दिया जला रहा था, तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह अपने समर्थकों के साथ हाथों में मशाल लेकर सड़क पर उतर गए। राजा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मशाल जुलूस निकाला और गो बैक चीनी वायरस के नारे भी लगवाए। लेकिन चीनी वायरस गो बैक के नारे लगाकर नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो पीएम मोदी की अपील की धज्जियां उड़ा बैठे। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग बचा, ना ही कोरोना के खिलाफ दिया जलाने की अपील। पीएम कहते हैं घरों से मत निकलिए, और साहब चेले चमचों के साथ सड़क पर मशाल जुलूस निकालने लगे। इसके बाद बारी आते उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंजू तिवारी की। पीएम की अपील के बाद कुछ लोग पटाखा फोड़ रहे थे। मंजू तिवारी जी को लगा चलो थोड़ा तूफानी करते हैं, और इसी चक्कर में क्या नागिन पटाखा और चुटपुटिया जलाती, सीधे बंदूक निकाला और फायरिंग कर बैठी। अब भला इसे देखकर कोरोना उल्टे पांव नहीं भागेगा, बताइए तो। और तो और, वाहवाही लूटने के चक्कर में मंजू तिवारी ने फायरिंग के इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दिया। पुलिस भी तैयार ही बैठी थी, तुरंत मामला दर्ज हो गया। जब चारों ओर से थू-थू होने लगी तो बीजेपी ने भी उन्हें बर्खास्त कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कल दिनांक 5 अप्रैल की एक घटना दिखाई जा रही है, जिसमें श्रीमती मंजू तिवारी द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम है, ये तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी विधायक के घर पर दिखा। वर्धा से बीजेपी विधायक दादाराव केचे का बर्थडे था, जन्मदिन को खास बनाने के लिए राशन बंटवाने का इंतजाम हुआ, और फिर भीड़ कैसी थी वो आप इस तस्वीर में देख ही सकते हैं। एक दिन पहले ही मुजफ्फरनगर सदर से बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल और योगी सरकार के मंत्री ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की खूब ऐसी तैसी की थी। जब घर में ही इतने नाकाबिल लोग बैठे हों, तो बाहरी भला सवाल क्यों नहीं उठाएंगे।